हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश पोएम नंबर 12, काउंट योर गार्डन। सो ये पोएम है काउंट योर गार्डन, और इस पोएम का ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन हो चुका है। सो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं, फिफ्थ स्टैंडर्ड की इंग्लिश प्लेलिस्ट। सो आपको इजीली मिल जाएगा इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन, इजीली एक्सप्लेन किया है, इजी एग्जाम्पल्स है इजी मीनिंग्स के साथ। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा यहाँ पर है इस पोएम का नोट्स डिस्कशन। सो ये हमारी नोट्स है, और यहाँ पर हमें कुछ ग्रामर आएगा, देन फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन वन सेंटेंस, और भी बहुत कुछ। तो चलिए नोट्स डिस्कस की तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 1, रीड द एक्सट्रैक्ट और पैसेज कैरफुली एंड डू द एक्टिविटीज। तो पहले क्या है, एक्सट्रैक्ट या तो पैसेज का मतलब होता है, यहाँ पर पोएम है तो उसके स्टैंजास दिया गया है, एंड पैसेज अगर चैप्टर का हम नोट्स डिस्कस कर रहे हैं तो हमें चैप्टर मार्क किया जाता है कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर और यहाँ पर एंड हो रहा है। सो यहाँ पर पोएम है काउंट योर गार्डन, तो पहले पोएम को एक बार देख लेते हैं। काउंट योर गार्डन बाय द फ्लावर्स, नेवर बाय द लीव्स दैट फॉल, काउंट योर डेज बाय गोल्डन आवर्स दैट डोंट रिमेंबर क्लाउड्स एट ऑल, काउंट द नाइट्स बाय स्टार्स नॉट शेडोज, काउंट योर लाइफ बाय स्माइल्स नॉट टीयर्स, and with joy on every birthday count your age by friends not years। so this is a poem। yahan par hamare paas hai total 2-4 stanzas, first second third and fourth, 4 stanzas hai। count your garden by the flowers, never by the leaves that fall, count your days by golden hours, don't remember clouds at all, count the nights by stars not shadows, count your life by smiles not tears, and with joy on every birthday count your age by friends not yours। so now here first activity is A1, fill in the blanks with words from the poem। so first sentence is never by the dash that fall, second don't remember dash at all, third count your age by dash not yours। सो इजिली हम देख सकते हैं यहाँ पर पैसेज है, यानी यहाँ पर पोएम ऑलरेडी है, एंड यहाँ पर इसका क्वेश्चन है। सो यहाँ पर देख के भी हम इसका लिख सकते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स जो इनकम्प्लीट ब्लैंक्स है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले आता है नेवर बाय द डैश दैट फॉल, सो द लाइन कम्स काउंट योर गार्डन बाय द फ्लावर्स नेवर बाय द लीव दैट फॉल। सो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा लीव्स। सो यहाँ पर फर्स्ट आंसर है लीव्स दैट फॉल। सेकेंड डोंट रिमेंबर डैश एट ऑल, डोंट रिमेंबर क्लाउड्स एट ऑल, सो यहाँ पर आंसर है यहाँ क्लाउड्स। काउंट योर एज बाय डैश नॉट टीयर्स, सो काउंट योर एज बाय फ्रेंड्स नॉट, काउंट योर लाइफ बाय स्माइल्स नॉट टीयर्स, सो यहाँ पर आंसर रहेगा स्माइल। सो एक बार हम आंसर शीट पर जाके देख सकते हैं, जो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा आंसर देखने के लिए। So here is the answer sheet A1, fill in the blanks with words from the poem, first never by the dash that fall, never by the leaves, the first answer is leaves, second don't remember dash at all, clouds, answer is clouds, third count your age by friends not tears, kya hai ye friends, answer, so leaves, clouds and friends, ye hamara answer hai। Next aate hai A2, match the following, so match करना है हमें यहाँ पर, first है flower, second golden hours, 3 stars, 4th smiles and 5th one is friends in your life। so हमें यहाँ पर question दिया है, इसको हम match करना है, हमारे यहाँ जो passage है इसमें से ही हमें कोई भी words के साथ में से match करना है। so here is the answer A2, match the following, first flower, falling leaves, फ्लावर को क्या बताया है यानी कि फॉलिंग लीव्स, गोल्डन आवर्स यानी कि क्लाउड्स, स्टार्स शेडोज, स्माइल्स टीयर्स, फ्रेंड्स इन योर लाइफ पासिंग ईयर्स, फ्रेंड्स इन योर लाइफ आर पासिंग ईयर्स। सो ये मैच करना था हमें, सो यहाँ पर आंसर ऑलरेडी हमें दिख मिल गया है, आंसर शीट में हम देख सकते हैं, फ्लावर फॉलिंग लीव्स, गोल्डन आवर्स क्लाउड्स, स्टार्स शेडोज, स्माइल्स टीयर्स, फ्रेंड्स इन योर लाइफ पासिंग ईयर्स। सो ये था हमारा मैच द फॉलोइंग। नाउ अब हम देखने जाएंगे, नेक्स्ट है हमारा A3,
आंसर द फॉलोइंग. अब आंसर आता है. फर्स्ट आंसर, हाउ शुड यू काउंट द रिचनेस ऑफ योर गार्डन. तो हमें रिचनेस ऑफ हमारी गार्डन को कैसा काउंट करना है. सो यहाँ पर आंसर देखेंगे. सो हियर इज द आंसर. फर्स्ट, हाउ शुड यू काउंट द रिचनेस ऑफ योर गार्डन. आंसर, यू शुड काउंट द रिचनेस ऑफ योर गार्डन बाय द नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट इट हैज. सो हमें अपने गार्डन्स का कैसा हमें देखना चाहिए रिचनेस, जो नंबर्स जो प्रेजेंट है हमारे पास उसको हमें देखना चाहिए. सो ये लाइन का मतलब क्या बताता है, यू शुड काउंट द रिचनेस ऑफ योर गार्डन बाय द नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट इट हैज, यानी जो हमारे पास है हमें उसके साथ में यानी खुश रहना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ब्यूटिफुल और मीनिंगफुल एक पोएम है, काउंट योर गार्डन. सो स्टूडेंट्स, इसका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप जाकर देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में बहुत इजीली, और बहुत ही अच्छा ब्यूटिफुल इसका एग्जाम्पल्स दिया है, मीनिंग्स है इस पोएम का. सो यू कैन चेक इन टू इन आवर प्लेलिस्ट. सो नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन. हाउ शुड यू काउंट योर एज. यू शुड काउंट योर एज बाय द नंबर ऑफ फ्रेंड्स यू हैव. हमें एज को कैसा काउंट करना है, यू शुड काउंट योर एज बाय द नंबर ऑफ फ्रेंड्स यू हैव. नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, व्हाट डज द पोएट एक्चुअली वांट टू टेल अस. तो अब थर्ड जो लास्ट क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग का. पोएट हमें क्या बताना चाह रहे हैं इसके बारे में हम देखेंगे. सो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट एक्चुअली वांट टू टेल अस, यानी पोएट हमें अब क्या बताना चाहते हैं. आंसर, द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट वी मस्ट काउंट द गुड थिंग्स दैट वी हैव इन अवर लाइफ एंड नॉट द प्रॉब्लम्स. वी मस्ट लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ एंड नॉट द नेगेटिव. सो पोएट हमें क्या बताना चाह रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास पॉजिटिव हमें रहना चाहिए, पॉजिटिव साइड को देखना है, और जो भी हमारे पास अभी प्रेजेंट में है गुड थिंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि हमें प्रॉब्लम्स की तरफ, एंड पॉजिटिव साइड को, पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ देखना है, नॉट द नेगेटिव साइड. सो जो भी हमारे पास अब है प्रेजेंट में हमें उस पर फोकस करना है, गुड थिंग्स पर, ना कि प्रॉब्लम्स पर, और पॉजिटिव वे में जाना है, पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ, बल्कि नॉट इन अ नेगेटिव वे. सो हमें पॉजिटिव सोचना है. सो द बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, एज वी ग्रो प्लांट्स. तो जैसे हम प्लांट में कोई भी सीड डालते हैं तो उस सीड का प्लांट ग्रो होता है, तो सेम थिंग हमारे ब्रेन में भी जब हम पॉजिटिव थिंकिंग को पॉजिटिव वे को थिंक करेंगे सो पॉजिटिवली हमारे माइंड में प्लांट ग्रो होगा. अगर नेगेटिव तो नेगेटिव प्लांट्स हमारे माइंड में ग्रो होगा. सो सेम थिंग है कि हमेशा हमें पॉजिटिव वे में जाना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए. सो नाउ नेक्स्ट है A4, लिस्ट द राइमिंग वर्ड्स गिवन इन द पोएम. अब यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स आते हैं. राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं आंसर, फॉल, ऑल, टीयर्स एंड ईयर्स. सो राइमिंग वर्ड्स मोस्टली पोएम में लास्ट लाइन्स में जो लास्ट वर्ड्स होते हैं वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं. हर स्टैंजा में या तो हर एक स्टैंजा में वन लाइन छोड़कर या तो टू लाइन्स छोड़कर, तो हर लाइन्स में पोएटिक इफेक्ट देने के लिए यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स यूज किया जाता है. सो एज वी कैन सी इन द पैसेज, सो हियर, काउंट योर गार्डन बाय द फ्लावर्स, नेवर बाय द लीव्स दैट फॉल. काउंट योर डेज बाय गोल्डन आवर्स, डोंट रिमेम्बर क्लाउड्स एट ऑल. सो फॉल एंड ऑल यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइन में आया है बट लास्ट वर्ड है. क्यों आता है राइमिंग वर्ड्स, ताकि इसमें पोएटिक साउंड आए पोएम में. सो फॉल, ऑल, ये फर्स्ट पेयर है. सेकेंड, काउंट द नाइट्स बाय स्टार्स नॉट शेडोज, काउंट योर लाइफ बाय स्माइल्स नॉट टीयर्स, एंड विद जॉय ऑन एवरी बर्थडे, काउंट योर एज बाय फ्रेंड्स नॉट ईयर्स. सो टीयर्स एंड ईयर्स, ये सेकेंड पेयर बनता है हमारे इस पैसेज में. सो हियर, फॉल, ऑल, टीयर्स एंड ईयर्स. नेक्स्ट आता है A5, नेम अ फ्यू अदर थिंग्स दैट पीपल ऑफन काउंट. पीपल हमेशा क्या काउंट करते हैं मोस्टली. आंसर, पीपल ऑफन काउंट द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव एंड द गिफ्ट्स दे रिसीव ऑन देयर बर्थडे. सो मोस्टली पीपल क्या अकाउंट, अपना अमाउंट चेक करते हैं, यानी कितना उन्हें अमाउंट मिला है, कितने मनी उनको गिफ्ट में आए, या तो जो भी दूसरा गिफ्ट प्रेजेंट होता है रिसीव उन्हें अपने बर्थडे पे उन्होंने रिसीव किया है. सो ये सब पीपल काउंट करते हैं. So students, now we are done with the notes discussion of Count Your Garden. Hope students you like this video.
होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेंगे, सो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर क्लासमेट्स। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।